नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रॉल करते हुए पप्पू भी कहा जाता है। और राहुल गांधी कहते हैं कि एक बार अपनी अगर किसी जीत पर अटल हो जाते हैं तो फिर अपनी जीत से हटते नहीं। राहुल गांधी को परिवारवाद का जो उन पर ताना पड़ता रहा है, कांग्रेस पर परिवारवाद का जो ताना पड़ता रहा है, उससे राहुल गांधी काफी ज्यादा आहत हो चुके हैं। और राहुल गांधी ने अब जिद पकड़ ली है कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनेगा वो गांधी परिवार से नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वहां पर अभी सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेस में अब अध्यक्ष पद को लेकर के आगामी चुनाव आने वाले हैं। और वहां पर अब राहुल गांधी ने एक जिद पकड़ ली है कि कांग्रेस गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां पर अध्यक्ष नहीं बनेगा। देखिए, जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा और कांग्रेस इस कारण से काफी ज्यादा कमजोर हुई है और इस बात को कांग्रेस भी बाखूबी समझ राहुल गांधी भी बाखूबी समझ चुके हैं। देखिए, क्योंकि लगातार जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी कि कांग्रेस का और राहुल गांधी को अब जो है कांग्रेस के कई नेता मना भी रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वहां पर कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल, तो इस तरीके के नाम यहां पर काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत की जहां तक बात है तो अशोक गहलोत अपने राज्य को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि अपने राज्य को छोड़ करके वो अध्यक्ष पद कांग्रेस का संभाले। तो यहां पर एक दो और नाम है, जैसे कि सचिन पायलट है, एक युवा राजनेता है, तो वहां पर अगर कांग्रेस उनको लेकर के आती है तो कांग्रेस को एक पटल पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता पर अब जो है जनता को यकीन नहीं रहा है और कांग्रेस के परिवारवाद की वजह से कांग्रेस को लोग अब नकारते जा रही है और इस बात को कांग्रेस समझ चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट को अगर अध्यक्ष पद पर लेकर के आते हैं राहुल गांधी तो ये कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल राहुल गांधी की जो अभी जिद है तो इस पर अभी कांग्रेस में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। लगातार सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस का हर नेता उन्हें समझा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब फिर से उन्हें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनसे मिन्नत कर रहे हैं कि आप ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष को किसको चुनती है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत या भूपेश बघेल। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।